हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कनव और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर फुकरे। तो जो आज की वीडियो है, हम आए हैं बनी टेंपल, ये है झज्जर कोटली में। तो आपको जैसे पीछे अगर व्यू दिख रहा हो तो देखिए क्या शानदार व्यू है, बिल्कुल शांत एरिया है यार, ज़बरदस्त, बिल्कुल शांति है। अगर आपको ऐसी जगह क्वाइट वाली पसंद है जहाँ पे आप आराम से फैमिली के साथ आके रोटी वगैरह भी खा सको बिल्कुल आराम से, और नहाना हो तो आप नहा भी सकते हो। अंदर मछलियाँ भी हैं छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी सी लग रही हैं। तो ये है बनी टेंपल, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये रहा, हम बन टोल प्लाजा पे हैं, तो अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बन टोल प्लाजा कर दिया क्रॉस, तो अब आने वाली है टनल, तो अब लीजिए आप आनंद। अभी हम लोग जा रहे हैं जो बनी टेंपल है, वहाँ पे पहले किसी ने वीडियो बनाई हुई है, नाम भी बता देता हूँ, ट्रैवल एंड वर्क विद सूर्या, उन्होंने पहले से वीडियो बनाई है तो उन्हीं की वीडियो देखी। तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू को एक्सप्लोर करें सारे। तो आपको लोकेशन कैसे पता लगेगी, एक झज्जर कोटली जहाँ पे सारे नहाते हैं आपने वहाँ नहीं जाना, नगरोटा हाईवे पे जहाँ पे एक नया बोर्ड लगा हुआ है झज्जर कोटली का एग्जैक्ट, आपने वहाँ आना है। तो और कुछ नहीं, ये भैया की शॉप है GMV कैफेटेरिया, ठीक है, तो आप ये याद रखना और भैया से खा के जाना कुछ ना कुछ प्लीज़, ठीक है। जब आओगे तो इन्हीं से पूछ लेना फिर खाने के बाद कि कहाँ जाना है, ठीक है, बेस्ट रहेगा। ये रही फ्रंट में यही शॉप है, और जो एग्जैक्ट वहाँ पे ये मोड़ है ना, ये वाला मोड़, इसके आगे एयरटेल है, ठीक है, वहाँ से हमने अंदर जाना है, तो मैं आपको दिखाते जाता हूँ। तो ये रहा वो जहाँ पे बनी टेंपल का जो रास्ता जाएगा, ये रहा मोड़, ये रहा एयरटेल जहाँ पे बता रहे थे वो, यहाँ से पहला राइट टर्न लेंगे हम, ठीक है। तो अब ये ऑफ रोड टाइप स्टार्ट हो गया, तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको पता लग जाएगा जाते वक्त, आपको मैं लास्ट बोर्ड दिखा दूंगा जहाँ से आपको एग्जैक्ट अंदर आना है। तो ये कुछ ऑफ रोड तरह का है, चलो मोबाइल से ही बनाई जा रही है वीडियो आज, तो क्या पता स्टेबलाइजेशन आ रही हो तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें माफ़ करें, क्योंकि हमारे Keshav0091 आज हमारे बाइक चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इनको भी ज़रूर देखें, ये भी अपनी नई मंजिलों की तरफ जाने लगे हैं आजकल। तो ये ऐसा ही कुछ रास्ता आएगा जब ऑफ रोड, तो आप समझ आना। वैसे तो हमें भी नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन, हम भी ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको अगर गूगल मैप से एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही होगी तो मैं आपको वो भी डाल दूंगा। क्या मतलब जाते जाते नेचुरल वाटरफॉल, और क्या व्यू है यार, रुक के बताता हूँ यार आपको मैं, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। तो ये रही लोकेशन का, आपको याद है इसके लिए, बीच में देखो पानी का झरना जैसा चल रहा है नेचुरल, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ बहुत बहुत सही जगह है, और मैं कुछ अजीब सा ही दिख रहा हूँ इसमें, पर कोई बात नहीं। तो अब ये एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ से वो जाता है, तो अभी कुछ भैया वगैरह खड़े हैं, इनको पूछ लेते हैं कि वो टेम्पल। तो आपने मोड़ से ज़्यादा आगे नहीं जाना, जैसे ये वाटरफॉल टाइप आएगा ना वैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो पहला ही कर्व है, यही मंदिर है, ये आगे रास्ता जा रहा है, आपने यहाँ नहीं जाना है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो कार आप नहीं नीचे लेके जाओ तो अच्छा है, बाइक वगैरह है तो नीचे ले जाना। तो अब नीचे चलते हैं, लेट्स गो। तो ये ज़रूर याद रखना, और हमारे भाई जी पहुँच गए हैं, हम पैदल जा रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा, ये ऊपर से ही नीले कलर का बोर्ड दिखता है खाली दूर से, तो इसी पे लिखा हुआ है ये देवी बनी टेंपल। तो ये है झज्जर कोटली, तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो यार ये किस टाइप की चीज़ बनाई है, यहाँ से घुस रहा है बजा पता नहीं कहाँ रहा है, बड़ा बड़ा सही लग रहा है यार, बाहर नहीं आ रहा है, ऊपर लीक भी नहीं हो रहा है, नीचे से कहीं से जा रहा है।
ये रहा शनान घाट, जैसा कि आपको दिख रहा हो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और मैं आपको और भी दिखाता हूँ अच्छे अच्छे से। तो ये रहा दूसरा शनान घाट, जो मैंने शायद ऊपर ओवल दिखाया था ना, जो पानी निकल रहा है, मुझे लग रहा है वो यही निकल रहा था। ये देखो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी है, और अगर आपने नहाना हो तो मज़ा ही आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ओ भाई साहब, ओह हो, ठंडा पानी है ये, शायद थोड़ा अंदर है। ओह और ये देखो यार, अगर आपको दिख रही हूँ छोटी छोटी मछलियाँ यार, पानी में रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो तब भी दिख जाएंगी शायद। ये जो पानी में थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे हैं ना, ये है मछलियाँ यार, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। ये देखो यार क्या शानदार सा व्यू है यार, ये देखो। बिल्कुल वाइल्ड। और ये हमारे केशव शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कैसी लगी ये जगह? बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट है, और अगर आपने आराम से बैठना हो तो मज़ा ही आ जाता है यार। बिल्कुल शांत है ना, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है। तो ये रहा पता नहीं कितना पुराना वृक्ष होगा यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। बहुत रिस्क है इधर मत जाना, लक पर होएगा जिसका भी जो जाएगा। ये जैसे ही आपको दिखे ना, ये ग्रीनिश कलर का जो सीमेंट पे जम जाता है, इसके ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करें, ये स्लिप करता है, लगेगी बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से यहाँ पे खा सकते हैं, आराम से वहाँ पे बैठ के खा सकते हो, अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा। तो ये आए हैं हमारे हनुमान जी, वानर जी, हनुमान जी बोल सकते हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, खाने का तो यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है, फूल खा रहे हैं तो पता नहीं, तो इनसे हम ना ही पंगा लें तो अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है इनसे। तो ये रही, अगर आप सत्संग वगैरह भी अगर आप शौकीन हो तो यहाँ पे आके बहुत सारी जगह है, आप यहाँ पे आराम से आके, बस भी मेरे हिसाब से आ जाएगी आराम से, आप यहाँ पे आके सत्संग वगैरह अगर आपको अच्छा लगता है ये सब, तो आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी खुली स्पेस है और बिल्कुल शांत, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो ये पेड़ों को देख के बहुत खुशी होती है मुझे, नेचर इज नेचर। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्टोन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम वो भी देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। ये रहा फ्लोटिंग स्टोन जिसकी बात की जा रही थी, तो हमें पता नहीं था ये थोड़ा साइड पे है, तो आप पूछोगे तो वो बता देंगे, शायद इससे बड़ा पहले था, वो कोई उठा के ले गया, तो ये बहुत गलत चीज़ है, जो चीज़ जहाँ पे हो उसको उठा के लेके नहीं जाना चाहिए, ये सबसे गलत किया उन्होंने। तो वो इससे बड़ा था साइज़ में, तो ये रहा जो फ्लोटिंग पत्थर जिसकी स्टोन को दूर है थोड़ा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो स्टोरी है, मैं उस हिसाब के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे जैसे ये ग्रास है ना, ऐसा ही था, तो लोकल बच्चों ने क्या किया, उनको स्विमिंग पूल टाइप बनाना था, तो उन्होंने इसको खोदा, तो खोदते खोदते क्या निकला, वही अभी ये जो पंडित जी हैं, ये भैया हैं, तो ये बता रहे थे हम लोगों को। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो भैया थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था, क्यों निकाला इन्होंने, क्या हिसाब था, वो थोड़ा सा बताओ। जैसे बच्चे बोल रहे थे कि नहाने के लिए हमने कुंड वगैरह बनाना है, तो फिर उन्होंने खुद खुदाई की, हमने मिलकर सब दिए, तो जब पत्थर वगैरह भी जैसे निकले, पहले हमने सोचा कि ऐसे कोई पत्थर होगा, तो फिर जब देखा तो अच्छा टाइप का फूल टाइप का था, तो उस यंत्र भी जैसे निकला, ओम वगैरह सब जैसे निकले। तो अगर कोई भी आर्कियोलॉजी या जम्मू टूरिज्म से देख रहा है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें प्रिजर्व करने वाली होती हैं, जैसे कि ये अब कब का है कोई ये तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये खुदाई में यहाँ से इनसे निकला है, तो ये कुछ यंत्र टाइप या शिवलिंग टाइप बोल सकते हैं, पर ये कुछ अलग ही, इस पर ये यंत्र ही बोल सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग तो पूरी शेप जो हमें पता, जो हमने देखी है वो तो नहीं है, ये ओम वाला ये जो जैसा भी है ये दिख रहा है, ये वैसा ही निकला हुआ है, ये यहाँ पे कुछ पिलर टाइप है, इस पर कुछ तराशा गया हुआ था अच्छे से, तो वो निकालते वक्त टूट गया इनके गलती से, तो और भी निकली हैं, तो मैं आपको उस साइड दिखाता हूँ जो और निकली हुई हैं, अभी तो इन्होंने पानी भरा नहीं है, क्योंकि बच्चे उल्टी सीधी डगियाँ मारते हैं इस वजह से।
तो यहाँ पे योगा वगैरह भी सिखाया जाता है जैसे कि भैया बता रहे हैं पढ़ने वगैरह के लिए, वेद के बारे में, भगवत गीता के बारे में सब हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, ये सब सिखाते हैं यहाँ पे, ये सब जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आना। जो मेरी आई जिन्होंने कैच किया वो ये वाली मूर्ति है, मैं दूर से देख के बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी सा हो गया हूँ इनको देख के। और पांडव ने बनाया था, वो रात को बनाते थे तो सुबह जब सूरज उदय होता था तो सब उस टाइम वो बस बंद कर देते थे। तो ये जो तालाब है छोटा सा शिवलिंग है इसमें, तो अगर हम ऐसे इसमें पानी डालें तो बढ़ा नहीं जाता है, जब सावन का महीना होता है तो उस टाइम एक किलो से ही बढ़ जाता है। तो इसका इस जगह का नाम है बन्नी, क्योंकि छोटा बनना है, बन्ना को बन्नी बोलते हैं तभी। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो लगा ये पांडवों द्वारा बनाई गई है, इन्होंने बताया कि जैसे ये स्पेस है ना, आप अगर अभी जितना मर्जी पानी डालो ये ऊपर तक नहीं आएगा, पर ये बोल रहे हैं जब सावन का महीना आता है ना, जैसे ही आप इसको पानी डालोगे तो ये एक लोटे में भर जाएगा। तो इसी को पावर बोलते हैं मेरे हिसाब से, यही होती हैं जो हमारी, यही है क्रिएशन जो हमारी समझ के पा रहे हैं। तो यही बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जब मेला लगता है तो काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती। तो ये है स्वामी हीरानंद सरस्वती जी महाराज की समाधि है, ये यहाँ पे पहले की थी। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा लेंटर वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी तो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ओरिजिनल जो महाराज थे, जो यहाँ पे थे स्वामी जी, जो सबसे पहले आए थे जब यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं थी, ये तब की उनकी समाधि है। तो फाइनली मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है डेड, अब हम इसके बाद जाएंगे जजरकोटली। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे को पता नहीं था, तो हमने ऑन द स्पॉट ऐसे ही प्लान बन गया, तो आरटीओ गया था वहाँ से प्लान बन गया कि यहाँ चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत सही जगह है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ इनके नीचे ही है जो तैरने वाला पत्थर है, और मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% रह चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर जजरकोटली तक ये फ़ोन स्टैंड किया तो हम वहाँ जाके भी आपको बता देंगे। तो एज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा आप लोगों को बताना चाहते हो तो शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।